फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बच्चे करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम समकालीन भारत 2 के बारे में देख रहे हैं और उसके अंदर हमारा चैप्टर जो है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। ठीक है, उसके अंदर पिछली वर्कशीट में हमने सड़कों के बारे में चर्चा की थी, सड़क परिवहन के बारे में। आज जो है हम रेल परिवहन के बारे में चर्चा जो है करने वाले हैं, यानी कि भारतीय रेलवे जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। क्या होता है कि अब सड़क का परिवहन है तो आप क्या करोगे, किसी टेम्पो वगैरह में, किसी बस वगैरह में सामान लेके जाते हो तो थोड़ा जो सामान है वो कम जो है वो आप लेके जा सकते हो। पर रेल क्या होती है, एक रेल के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह एक टाइम पर ले जाया जा सकता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा सामान को है वो उसका वितरण किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समवयक मतलब एक दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बना देना, उसको बोलते हैं कोई रिश्ता बना देना, आदान प्रदान, वितरण वगैरह ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। क्योंकि देखो, उद्योगों को कच्चा माल चाहिए होता है या उनकी वस्तुओं को, जब वो वस्तुएं बना लेते हैं तो उनको लेके जाना होता है। तो अब ये तो है नहीं कि थोड़ी सी एक बस भर के या एक ट्रक वस्तुएं जो उन्होंने बनाई, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं। ठीक है, तो उनको रेल के थ्रू क्या किया जाता है, जैसे मालगाड़ी आती है ना, आपने नाम सुना ही होगा, एक पैसेंजर ट्रेन होती है यात्रियों के लिए होती है, एक मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी के अंदर माल जो है वो इधर से उधर लेके जाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उद्योगों के लिए, जैसे मान लो कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगा, बिजली जहाँ पर बनती है वो लगा हुआ है, ठीक है, तो थर्मल प्लांट जिसको बोलते हैं, तो वहां पे कोयला चाहिए होता है, तो ट्रकों में कोयला लाएंगे तो कितना का कोयला आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, वहां पे ट्रेन के थ्रू जो है कोयला लेके आते हैं। वैसे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कनक होती है, ठीक है, सरसों होती है, कपास होती है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आपने देखा होगा अप्रैल के अंदर जब मंडियां लगती है गेहूं के लिए, तो कितनी ज्यादा टनों में जो कनक है वो जो है इधर से उधर जो है दूसरे राज्यों के अंदर या दूसरे देशों के अंदर भेजी जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेलवे परिवहन का जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको रेलवे लाइंस दी हुई हैं, गेज मीटर में दी हुई है, उसके बाद में रूट किलोमीटर में, वहन का मार्ग और कुल मार्ग दिया हुआ है। तो बड़ी लाइन 1.676, ठीक है, रूट कितना होता है 63,491 का, वहन का मार्ग होता है 89,521 का, और कुल मार्ग जो है वो दोनों को मिला के 1,100,000 जो है, या आप बोलो कि 1,175,60 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इतनी लाइंस वगैरह आपको दी हुई हैं कि कितनी भारत के अंदर पाई जाती हैं, इसमें से आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल देश के समन्वयक की भूमिका अपनी भूमिका निभाती है, तो कैसे। लंबी दूरी की यात्रा और बड़ी मात्रा में माल ढोने के लिए रेल परिवहन बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। एक रेलगाड़ी एक ही बार में हजारों लोगों और भारी मात्रा में सामान ढोया जा सकता है। इसका प्रति इकाई संवहन का खर्च भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी भी सदस्य से जो रेल यात्रा है उसका एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। अपने याद में, मैंने प्रथम रेल यात्रा तब की थी जब 12वीं के बाद में अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपनी बड़ी बहन के पास लुधियाना गई। आरामदायक और सुविधाजनक होना रेल यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। सबसे उल्लेखनीय, एक रेल डिब्बे में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ट्रेनों में पर्याप्त हवा वाली बोगियाँ होती हैं। इसके अलावा रेल आरामदायक सोने की शयिका बर्थ भी प्रदान करती है। तो ये आपने एक्सपीरियंस लिखना था, एक्सपीरियंस यही है कि आपने उसके अंदर क्या क्या जो है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद में, रेल किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। किसी भी देश के विकास की वहां उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन पर निर्भर करती है। किसी भी देश का विकास है वो किस जगह पे करेगा, कैसे निर्भर करेगा कि वहां की वस्तुएं और सेवाएं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सके। इसलिए तेज विकास के लिए कुशल परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश में लोगों को माल ढुलाई के लिए रेल प्रमुख साधन है। रेल से लंबी दूरी तक माल की जो ढुलाई है आसानी से होती है और इसका जो प्रति इकाई संवहन खर्च है वो भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद में, हम भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए, जैसा कि बुलेट ट्रेन,
रेलवे का निजीकरण और प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। बुलेट ट्रेन जो है, पहली बुलेट ट्रेन का अभी तक काम जो है वो चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली इस ट्रेन को दिसंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है। बाद में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। रेलवे का निजीकरण, इस प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत का खर्च कम करना, समय कम जो है वो कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना और सुरक्षा बढ़ाना, और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन या निजी कंपनियों को उनको सौंप दिया गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। रेलवे नियमानुसार केवल यात्री ही स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सीमित संख्या में स्टेशन पर ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश कर सकते हैं जो यात्री नहीं हैं, या वे अपने किसी करीबी को स्टेशन लेने या छोड़ने आए हों। रेलवे स्टेशन पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करके प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदा जा सकता है, परंतु इन टिकट को जारी करना प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार सीमित किया जाता है। इस टिकट की वैधता जारी होने के समय से 2 घंटे तक की होती है और यह जानकारी टिकट पर लिखी होती है। बेटा क्या होता है ना कि रेलवे स्टेशन पे मेनली 2 तरह के लोग मिलने चाहिए, पहले वो कि जो जिनको ट्रेन पकड़नी है, और दूसरे वो जो ट्रेन से उतर के आ रहे हैं अपने घर जाने के लिए। बट क्या होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वहाँ पर कोई काम नहीं होता, या ऐसे लोग होते हैं जो अपने जो आप बोलो कि रिश्तेदार हैं उनको, करीबियों को छोड़ने आते हैं या उनको लेने आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उसके कारण जो भीड़ है वो बढ़ती जाती है और वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं वो यात्रियों को नहीं मिल पाती, आसपास के लोग उसको ज़्यादा ले जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, एक कदम उठाया कि अगर आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, चाहे आपने अपने करीबी को लेने ही जाना है चाहे छोड़ने जाना है, तो आपको 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, और वो 10 रुपये की टिकट सिर्फ 2 घंटे तक वैलिड है। यानी कि ये है ना कि कई बार कोई झूठ मूठ में भी ले ही लेता है, तो उसको 2 ही घंटे तक वो वैलिड है, और 2 घंटे बाद में अगर आपको वहाँ पे रहना है तो नई टिकट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।